भाई एक बात बताऊं आपसे, पहली बार खा रहा हूं मैं पिज्जा। तो हमारे यहाँ पूजा क्यों नहीं होती, गोवर्धन जी की पूजा जैसे सबके घर हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैबोगल व्लॉग्स। तो आज एक व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाहर से, जो कि आए हैं पिज्जा खाने के लिए अपने पिज्जा स्टूडियो पे, जो कि अभी नया नया खुला है बाहरी रुड़की रोड पे, अपना ये बाहरी रुड़की रोड पे खुला है। और आज गोवर्धन है, आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी आज दिखाएंगे पूजा, ये गोवर्धन पूजा कैसे होती है और क्या मतलब क्यों मनाई जाती है, वो सब दिखाएंगे आज, हर घर में हो रही है। बाकी जल्दी जल्दी पिज्जा खा ले मिंटू भाई और मैं, फिर मिलते हैं आप। तो गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके थे पिज्जा खा के, और अब हमारे घर अभी आके देखा मैंने सोचा शायद हमारे यहाँ भी पूजा होगी, पर घर आके देखा पूजा नहीं हो रही। और अब पूछता हूँ दादी से और आपको भी बताता हूँ, हमारे यहाँ पूजा क्यों नहीं होती, गोवर्धन जी की पूजा जैसे सबके घर हो रही है। ऐसा है, हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे पशु हैं, जैसे भैंस गाय बछड़ा बछड़ी, तो इसलिए वही गांव में ही पूजा करे, हम है तो एक ही परिवार, तो इसलिए गांव में पूजा होती है। हम पूजा यहाँ गोवर्धन की नहीं करते। आज हमारे यहाँ गांव में गोवर्धन गिरे का पूजा होगी, पूरी बनेगी, नौकर के घर वाली गोवर्धन गिरन आवेगी, इसीलिए सब पूजा करेंगे, फिर बाद में फिर सबका खाना होगा। और ये पूजा क्यों करी जाती है? हाँ, पशु पक्षियों के लिए की जाती है, यहाँ पे है नहीं पशु, अरे तो जैसे गाय है भैंस है बछड़ा है बछड़ी है, तो गांव में है, गांव में पूजा करे। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ नहीं होती, इसलिए हम नहीं करते, हमारे यहाँ तो होवे। अच्छा, हमारे यहाँ कुंब में होवे, मतलब परिवार में होवे, हम नहीं करते। तो है एक ही तो अच्छा, है। जैसे पशु नहीं है तो इस वजह से बस गांव में करे। अच्छा, तो बाहर गली में कर रहे जिनके पशु भी नहीं है, फिर वे उनके गांव का कोई हिसाब होगा, हमारे तो गांव में कर ले, है तो एक ही परिवार। अच्छा, ये सदियों से रीत चलती आ रही है कि बस हमारे मतलब परिवार में तो होती है पूजा, ये हमारी परिवार में पूजा होती है, पर हमारे घर में होती है, जो हमारे सगे है ना घर के, मतलब चाचा चाची, वे करते हैं गांव में। अगर हम भी गांव में होते तो हम भी करते, पर मुजफ्फरनगर में रहते इसलिए हमारे यहाँ होती नहीं। और बाकी की होती है वो उनके घरों की रीत चलती आ रही है, हमारे घर की रीत है बाकी। तो भाई गाइस अभी एक बार और जा रहे हैं, आज दो पिज्जे एक दिन में, बाकी चलो कोई नहीं। आज ये भाई कह रहे थे पिज्जा खा के ला भाई, कहता हूँ इनको पिज्जा खा के लाता हूँ भाइयों को, एक कुणाल भाई और एक किचू भाई, जो कि फोन में नेताजी की तरह मंडे पड़े सीट पीछे करके, ये एक कुणाल भाई, बाकी उसी पिज्जा स्टूडियो में चलेंगे, वहीं पे भाई एक नंबर का पिज्जा लगा मुझे, आप भी आओ और वहीं पे जाके मिलता हूँ पिज्जा स्टूडियो। भाई की ख्वाहिश थी कि गाड़ी में खुआ खुला गाड़ी ले गया सिर्फ किचू भाई के लिए, चलो कोई नहीं वहीं पे जाके मिलते हैं। आज पिज्जा कौन सा ऑर्डर करा भाई, कौन सा? ओनियन ओनियन वाला किचू भाई, तुमने ओनियन वाला कैप्सिकम और दो ओनियन भाई, मैं तो ओनियन खाऊंगा, ये भाई ओनियन खाएगा, बाकी किचू भाई खाएंगे कैप्सिकम भाई। पैसे आप क्या अभी करवा रहे हैं? ये दावत मेरी तरफ से थी, तीन दो भाई वो कौन है ये लोग, ये मेरे चिपट के बेवाल दे, दावत दे दावत दे दावत दे, और अपनी गाड़ी लाओ इन्हें दावत भी तो साल छोटे भाई है, ये दावत तो तेरी बनती है इनकी। बाकी ये कुणाल भाई हो रहा, अब हम आए पिज्जाड़ो में, जो कि हो रहा है ये पिज्जाड़ो सीधा रामपुरी गेट के ठीक सामने, पिज्जाड़ो पिज्जाड़ो पिज्जा फैमिली पिज्जा रेस्टोरेंट, बाकी पिज्जा जाने तो देखते हैं कैसे मिलता है बड़े। और तो भाई फाइनली आ चुके अपने पिज्जा, और ये तो मंडके भाई खान अपने पिज्जा खा लूँ मैं जल्दी जल्दी, फिर मिलता हूँ आपसे, आराम से खाओ आराम से खाओ, ओनियन वाला पिज्ज़ा मंगाया भाई, मज़ा लग रहा है, खा लो जल्दी जल्दी, फिर घर पे जाके मिलता हूँ आपसे। भाई एक बात बताऊँ आपसे, पहली बार खा रहा हूँ मैं पिज्जा, तो एक ही दिन में दो बार, पहली बार। हाँ देखो दो पीस खाते ना ऐसा होगा जैसे यहाँ दो आ जाओ पिज्जा, पर पहली बार खा रहा हूँ मैं एक ही दिन में दो बार पिज्जा, पहले जब खाया था पिंटू के प्रिंस के साथ, अब इन दोनों भाइयों के साथ, बाकी नहीं मजा आ रहा है भाई, जी नहीं कर रहा कि छोड़ दूँ, खाए जाओ खाए जाओ, खा लूँ मैं जल्दी जल्दी ये वाले पीस भी, फिर घर पे चलता हूँ देखता हूँ घर पे क्या रखता है। बाकी गाइस आ चुके हम अपनी गली में, और ये देखो अपना ऐसे टी झालर वगैरह लग रही है हमारे घर में भी, और बाकी सबके घरों में भी, ये देखो सब झालर वगैरह लग रही है। और बाकी अब चलते हैं घर, तो ये रीज़न था हमारे घर वो गोवर्धन पूजा न खोलने का, ये रीज़न था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया
कि क्या रीजन था, किस वजह से हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ तो होती है, बल्कि हमारे परिवार में तो होती है, पर हमारे इस घर में नहीं होती। वो दादी जी ने आपको समझा देता है किसी लिए नहीं होती। बाकी गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अच्छे अच्छे आने वाले व्लॉग सबसे पहले आपके पास आए। बाकी अब सोने का टाइम हो गया है, 10:30 बज रहे हैं और आधे घंटे में सो जाएंगे अप्पा, तो थोड़ा फोन वान चला ले और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और ना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय।